नेल्सन साहब, काम हो गया। शाबाश, कंकड़ मर गया और झांसी हमारी होगी। शांत हो जाइए झांसी वासियों, शांत हो जाइए। आपकी महारानी लक्ष्मीबाई आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित है। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, हमें इतना बता दीजिए महाराज जीवित है या नहीं, और अगर जीवित है तो वो कहाँ है? हम उनके दर्शन बगैर किए वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब फिरंगी सच कह रहा था, महाराज जीवित नहीं है। क्यों भाई, महाराज जीवित नहीं है? काशी नरेश अभी जीवित है। क्या भी आपको विश्वास नहीं है कि झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव देवालकर जीवित है? महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की। Bloody fool! अगर गंगाधर जिंदा है तो तूने किसको मारा? जिस फिरंगी डॉक्टर ने हमारे दामोदर का जीवन छीना था, उसी डॉक्टर का मृत शरीर आपके प्राण बचाने में सहायक सिद्ध हुआ महाराज। अच्छा, मैं बताइए, आपने उस हमलेवार का चेहरा देखा? कौन था वो? नहीं महाराज, हम भी नहीं देख पाए कि वो कौन था, परंतु इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि वो जो भी था हमारे हमारे ही महल से था। इसलिए हम अपने महल के सारे लोगों को दरबार में देखना चाहते हैं। अवश्य। बुरा ना माने महारानी साहिबा, तो महाराज की सुरक्षा व्यवस्था का भार रघुनाथ सिंह जी के ऊपर था। आपने ही सैनिकों को महल के बाहर जाने का आदेश दिया। राव दुलाजो, मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले ये सोच लो, तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ भी उठ रही हैं। रघुनाथ सिंह जी, किंतु ये आक्रमण महाराज पर आपकी असावधानी की वजह से हुआ। राव दुलाजो, तुम अपनी सीमा। नहीं नहीं रघुनाथ जी, इस तरह बिना साक्ष्य के आरोप प्रत्यारोप करने से कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। मित्र के रूप में छुपे शत्रु को तो हम ढूंढ निकालेंगे, परंतु जो हमारा शत्रु है उसका अंतिम समय आ गया है। नेल्सन, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिरंगी हिंदुस्तान के हर दरबार में सिर झुकाकर खड़े रहे। हमारे टुकड़ों पर पलने वालों में इतना दुस्साहस आ गया कि रानी लक्ष्मीबाई को विधवा बनाने का प्रयास किया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है नेल्सन।